गाइस, तो अभी मॉर्निंग के बज रहे 7 और मैं तो अभी घर पे ही हूँ। मेरा फ्रेंड है जिसका बर्थडे है, वो अभी कोचिंग गया है, तो मैं डायरेक्ट अभी मार्केट जाऊंगा, केक लूंगा। केक लेने के बाद पार्क में जाएंगे, सब पार्क में आने वाले, और उसकी आज सिर्फ पिटाई करेंगे ओनली, क्योंकि सर्दी ज्यादा है तो उसका कुछ ऐसे वैसे केक वेक नहीं लगाए। तो चलो ब्लॉग शुरू करते हैं। हे गाइस, तो हमने केक ले लिया है और अब रामो की बैंड बजाने वाले हैं। और सुबह मॉर्निंग में हमारी कोचिंग थी, तो कोचिंग से हम डायरेक्ट ही आ गए और उसको पता नहीं है अभी, अब उसकी बैंड बजने वाली है। आज रामो की बैंड बजने वाली है और मेरे साथ संदीप, विकास और रामो वही बैठे हैं और बाकी पलटन में ही है। अभी आपको बताएंगे क्या हाल होने वाला है उसका। बेटा जाडे में ठंड बहुत है यार। केक कट करने के बाद दिन का हमारा चौकी डांडी का प्लान है, वहाँ का भी ब्लॉग बताएंगे आपको, वहाँ डांस करेंगे और थोड़ी पार्टी शार्टी करेंगे। संदीप इधर देखना, हमारे इसका ट्रीटमेंट सर्दी ज्यादा होने के कारण हमने इसके केक नहीं लगाया और स्ट्रीट भी लगाई। अब बाकी जो आगे का प्रोग्राम है चौकी डांडी में करना है, दिन में काफी छात्र आमंत्रित है, क्योंकि वहाँ पर भंडारा लगवा रहे हम। भंडारा होगा वो भाई, तेरी बाइक ले सुबह। तो जैसा कि हम डेली सोनू के पास आके दाल पापड़ खाते हैं, ये सबसे फेमस जगह सवाई माधोपुर में दाल पापड़ की, तो कभी आप यहाँ पर आए तो दाल पापड़ जरूर खाए। करने लग गए और अभी हम गाने लगा रहा, मेरा दोस्त लगा भाई लगा लगा, कौन से गाने नाचेगा? Oh.
पार्टी शार्टी खत्म हो चुकी है और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। तो इसका बर्थडे बन चुका है और अब अभी हम पार्क में। कैसा रहा आपका बर्थडे बताओ? बहुत मस्त। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। बहुत धोया। और संदीप आपको? बस बहुत। इसके इतने पट्टे मारे ना कि वीडियो में आपने देखा होगा कैसे पट्टे मरे। और एक ही हमारा लोंडा, इसका तो बहुत मजा आ गया आज। आज मजा आ गया। बताना मत। चलो तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक करे, शेयर करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे।